तो हाय गाइस, और एक नया एडिटिंग के साथ चले आया हूँ आपके लिए। तो चलिए देखते हैं एडिटिंग। और हमको इंस्टा पे नहीं फॉलो किया है तो अभी जाकर फॉलो करो न्यू एडिट देखने के लिए। तो जाओ फॉलो करो और वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। गाइस, आज हम इस फोटो को एडिटिंग करेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले लाइट रूम पर ले जाते हैं। तो चलिए लाइट रूम पर चलते हैं। लाइट रूम पर आ गया तो अब इसका लाइटिंग ठीक कर लेंगे। तो चलिए ठीक करते हैं। अब चले जाएंगे मिक्सिंग पर। तो कलर करेक्शन ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिक्सिंग हो जाने के बाद अब हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर सब सैचुरेशन ठीक कर लेंगे, टेम्परेचर सीन। तो चलिए ठीक करते हैं। तो अब हम चले जाएंगे भीगनेट पर। तो भीगनेट दे देते हैं। अब हम चले जाएंगे शार्पिंग पर। तो शार्पिंग अच्छे से देना, फोटो क्वालिटी सही रहेगा। तो चलिए स्मूथ मत देना, स्मूथ को एकदम जीरो ही रहने देना, ठीक है। तो जीरो कर देते हैं। तो इस शार्पिंग और भी बढ़ा देते हैं थोड़ा। और ये वाला टूल्स पे आएंगे, दोनों ही ऑन कर देंगे। तो ऑन हो गया, देख सकते हो अब मेरा फोटो कैसा लग रहा है। देखो फोटो। अब हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे इसको और चले जाएंगे स्नैपसीड पर। तो चलिए एक्सपोर्ट करते हैं। देख सकते हो हमारी फोटो सेव हो गई है, देख सकते हो। तब हम स्नैपसीड पर चले जाएंगे। तो चलिए स्नैपसीड पर जाते हैं। तो टूल्स पर जा चले जाएंगे और ट्यून इमेज सब ठीक कर लेंगे। तो चलिए ठीक करते हैं। तो फिर से टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट टिप ले लेंगे और फेस का कलर ठीक कर लेंगे। तो चलिए ठीक करते हैं। तो यहाँ पर फेस का कलर ठीक हो गया। तो अब हम फिर से टूल्स पर चले जाएंगे और यहाँ पर डिटेल्स ले लेंगे और यहाँ पर डिटेल्स देंगे हम। तो हमारा स्नैपसीड का काम हो गया है। तो हम चले जाएंगे ऑटो डिप्स टूल पर। ऑटो डिप्स पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम ब्रश पे जाएंगे और ये वाला ब्रश ले लेंगे और इसका फॉलो को हम 4 पे रख देंगे और साइज अपने मुताबिक रखना। और ये वाला स्टेचिंग को अब 1% नहीं देंगे। तो चलिए फेस को करते हैं।
फ्रेश हो जाने के बाद हम यहाँ से फिर से ब्रश के टूल्स पर जाएंगे और यहाँ से सेटिंग पर जाकर इसका फ्लो को बढ़ा लेंगे। इसे हम देते हैं, उसके बाद इसका आँखों को doorway, cancel the cruise control, switch it in the manual, don't you wanna feel right again, don't you wanna feel whole, don't you wanna feel ऐसे ही दोनों हो कर लेते हैं, फिर उस हॉलो को फोर कर देते हैं और नहीं ऑन करके इसको कर लेंगे और तो हो जाने के बाद फोर के हो जाने के बाद हम दोनों हाथ को कर लेंगे। अब चलिए करते हैं, उसे फॉलो को फोर कर लेते हैं। ऐसे ही पूरा हाथ को कर लेंगे, तो चलिए करते हैं। ऐसे ही दोनों हाथ को हम कर लेंगे, ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो अब हम फिर से सेटिंग पे चले जाएंगे ब्रश के और तो इस फॉलो को बढ़ा लेंगे हम और फॉलो को बढ़ा के हम हेयर को ठीक कर लेंगे। तो चलिए ठीक करते हैं। टोटली कंप्लीट हो गया है, तो अब हम लोगो बिठा लेंगे। तो चलिए लोगो बिठा लेते हैं। तो अब हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। देख सकते हो हमारा एडिट हो जाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। इस वीडियो कैसे लगा ये बताओ, और अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट करके बताओ कैसे लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।